इमीडिएट रेस्टोरेशन ऑफ पीस इन टीसीएल रीजन, और बेसिकली हम लोग जो है लेट ये यूसुफ माते का जो ब्रूटल किलिंग जो हाल ही में हुआ उनको लेके हम लोग आपसे जो है हम लोग एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोटेस्ट हम लोग कंडक्ट किया अपना रिसेंट मैन को जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, क्योंकि पब्लिक किलिंग जो हमारे लोग के ऊपर में टीसीएल रीजन में बारी बारी से हो रहा है, और वहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि लास्ट टाइम अभी बहुत इट्स लाइक ऑलमोस्ट ए डिकेड हमारा फॉर्मर एमपी वंशा राजकुमार को भी ऑडिटोरियम में मार दिया गया, फिर सिटिंग एमएलए तिरंगा अबो साहब को मारा, और जो है यूसुफ माते साहब को रिसेंटली जो फॉर्मर एमएलए और उनका कैंपेन में जब वो निकला तो तभी भी मारा। तो ये पॉलिटिकल किलिंग और पब्लिक किलिंग बार बार टीसीएल बेल में हो रहा है। तो हमारा जो है एनिशियन को भी हमारा यही मैसेज देना है कि आपका अपना ये नागा ग्रेटर नागालैंड का जो मुद्दा है आप लेके चलिए, तो इसमें तो हम लोग आपको अपना देश के लिए हम लोग रेस्पेक्ट करेगा, लेकिन नॉट इन लियो ऑफ किलिंग आवर पीपल। अरुणाचली को आप मत मारिए, क्योंकि तिरप चंगलंग आदमी को आप मारता है उनको तकलीफ देता है, तो हम अरुणाचल भाई भाई है, तवांग को भी दुख होता है, ईटानगर को भी दुख होता है। तो वो करके आज अलग अलग वर्कशॉप लाइफ से सारे लोग आया, सारे वर्ग का कम्युनिटी आया, ये अपना प्रोटेस्ट कंटेस्ट करने के लिए, अपने रिसेंटमेंट को यूसुफ माते साहब का फैमिली को भी यही बताने के लिए कि हम लोग आपका साथ है, और ये किलिंग जो है दिस इज़ ए स्टार्टिंग ऑफ ए मोमेंट कि बारी बारी ऐसे होने से हम लोग अभी गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हम लोग को यही कहना है कि बर्मा से बार बार ऑपरेट करके हमारा लोग को मार के जब दुनिया जाते तो वो लोग नॉट रीचेबल हो जाता है, एडमिनिस्ट्रेशन से बाहर होता है, तो क्या होता है कि ये क्या है, सिंस ये इंटरनेशनल इशू है तो हमारा इस सब्जेक्ट में भी लिमिटेशंस है। इसलिए हम लोग जो है आज यूनियन होम मिनिस्टर को थ्रू गवर्नर हमने लेटर भेजा, और साथ साथ में हम लोगों ने गवर्नर को भी अपना एक लेटर दिया, ये क्योंकि ये अभी नेशनल सब्जेक्ट है, और नेशनल सब्जेक्ट होकर हमारा कहना वही है कि हमको इंटरनेशनल बाउंड्री में हमको फेंस कर दीजिए, बाउंड्री अच्छे से डिमार्केट कर दो, इंडो म्यांमार में जहाँ जहाँ पे इशू है जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम है वहाँ पे जो है हमको सही डिमार्केशन चाहिए, क्योंकि ये डिमार्केशन होगा तभी पब्लिक किलिंग कम होगा, नहीं तो ऐसे बात के बाद अगर कोई इंसर्जेंसी कोई घुसपैठ अगर करके अगर इंडिया टेरिटोरी के अंदर में होने से तो ऑपरेट करने के लिए भी आसान है, यहाँ पे हमारा अपना सिविल पुलिस वगैरह भी है, लेकिन जब वो दूसरा देश पे चला जाता है तब उसको कौन ढूंढ के जाएगा, और पुलिस लोग का भी लिमिटेशन है, और कहीं ना कहीं इंडिया का सॉवरेनिटी का भी इज्जत नहीं है, भारत जैसे विशाल देश को ये बहुत बड़ा तमाशा है इनका लोग को मार के। इसके लिए आज बात सिर्फ तिरप का नहीं है, लोंगडिंग चांगलांग और सारा अरुणाचल ये मुद्दा पे जोर गया, और बार बार नहीं होना, और अफसू वी बीन द वॉइस ऑफ अरुणाचल प्रदेश हमको इसको देखना, और वहाँ पे हम लोग बटालियन का मांग रखा, जितना बटालियन फोर्सेस है जितना इंडियन आर्मी से लेके जितना अपना पैरामिलिट्री फोर्स है वो जो है वो फेंस में रहना है, और बाकी का जो दो मुद्दा है कल हमने जो लिख के दिया हमारा ऑनरेबल सीएम को हमारे टीम अफसू का तरफ से, हमारा जो उस दिन का मेमोरेंडम था हाल ही पे आप भी देख पा रहा है, मेमोरेंडम तो आप लोग का हाथ में है, जो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन थ्रू एनआईए को जो हमने लिख दिया तो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश ने इनको भेज दिया। उसका बाद हमारा जो डिमांड था ये हमारा हेड गांव बुरा और हमारा जो विलेज का चीफ दोनों को जो एब्दा करके बर्मा लेके गया, हमारा जो मांग को हमने बहुत स्ट्रॉन्ग से हमने अपना डिमांड जब सरकार को रखा तो इनको कॉग्निजेंस में लेके ये लोगों ने बात करके रिहाई करके हम लोग खुश है कि वो लोग घर में हेल्दी होके सेफ ये लोग रिटर्न है। तो ये जो मोमेंट है इस बार सोशल सिक्योरिटी को ही लेके है, और बारी बारी नहीं होना, ये हम अब सुखा ये हमारा अपने दुख को हम लोग जाता रहे अरुणाचल। सर अभी जो कौन सा में जो इंसिडेंट हुआ है उसके लिए आप लोगों ने कुछ उसके अंदर का जो रीजन है उसमें आप लोग सोशल सिक्योरिटी कुछ आप लोगों ने डिमांड किया कि नहीं? यही तो हम लोग डिमांड कर रहे हैं। अभी सोशल सिक्योरिटी जैसे देखो वहाँ पे अफसपा है, लेकिन इट्स ऑफ नो यूज़ क्योंकि बारी बारी हत्या होते रहता है, निहत्ते को हत्या होता है, तो अफसपा लगते भी सिंस 1958 जो है अफसा को उधर में इंस्टॉल किया गया, लेकिन आर्म फोर्स स्पेशल एक्ट को रहने दे के भी यही हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि इंडो म्यांमार का बॉर्डर का जो सीलिंग ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, या सब
गवर्नर तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एजेंट है, तो हमने इसके लिए दिया गवर्नर को कि उनका भी कॉग्निजेंस में रहे ये, और हमारा जो आवाज़ है ये बुलंद आवाज़ ये आपका केंद्र तक पहुँचे। बेसिकली अमित शाह जी और हमारा सबका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये आवाज़ पहुँचे कि आपका अरुणाचल में, आपका भारतवर्ष में, आपका भारतीय का साथ क्या अत्याचार हो रहा है। और एक बात मीडिया से हम यही बताएगा, बर्मा को हम लोग जो है जियोपॉलिटिकल में अपने कन्फिडेंस में लेने के लिए ये नेशनल पॉलिसी होता होगा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, लेकिन बर्मा जो है आप हाल ही में देखो मणिपुर वाला इंसिडेंट भी, जितना इन्फ्लक्स है लीकेज जो है पॉपी कल्टिवेशन करके, बर्मिस लुक से ही उधर भी प्रॉब्लम हो रहा है जो इन्फ्लक्स होके जो आया, और यही चीज़ जो है अरुणाचल में हमारा तिरप चंगलांग लोंगडिंग में हो रहा है। तो ये कल नॉर्थ ईस्ट एज ए होल का भी हमारा इशू है, ये हमारा मुद्दा बन के रहेगा। इसलिए अपसु एलोंग विद नेसो इसको हम लोग को भी ध्यान देने का है, और ये इंटरनेशनल इशू है सिंस, इसलिए हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट का ऊपर में हमारा ज़्यादा मांग है, डिमांड है। अभी बाकी का दो पॉइंट तो हो गया, अभी मोस्टली है सीलिंग, ये सीलिंग इंटरनेशनल बाउंड्री जो इंडो म्यांमार का जो बाउंड्री है, तो इसका हम लोग एक टाइम फ्रेम देंगे, तो वो टाइम फ्रेम के साथ कुछ भी डेवलपमेंट आएगा हम लोग पब्लिक का थ्रू जो है आपका मीडिया का थ्रू आपका हम लोग पब्लिक को बता देगा, और सबको हम यही अपील करेगा ये मोमेंट में सबको जागरूकता होना है। अरुणाचल का आज एग्जिस्टेंस का बात हो गया, हमारा सुरक्षा का बात हो गया, हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रह के, भारत जैसे विशाल देश में रह के, अपना सरकार रह के हमारे पास सोशल सिक्योरिटी नहीं हो गया, तो व्हाट इज़ गवर्नमेंट डूइंग, ये हमारा बहुत बड़ा क्वेश्चन है आज। सर क्या आप अभी वहाँ का करंट जो अभी वहाँ में जो आर्म पुलिस जो एक्टिव है, जैसे आपने कहा कि आपका लागू हुआ है, तो आपको क्या अभी का कारण आर्म पुलिस लोग क्वेश्चन करेगा, क्योंकि ये अभी आइसोलेटेड इवेंट नहीं है, फिर भी हो चुका है। यही हम बारी बारी से आपको बताने कर रहे हैं कि ये जो है आपका माध्यम से हम ये बता रहे हैं, अफ्सपा का रहते भी ऐसे कैसे ऑपरेशनल हो रहा है, तो अफ्सपा का इतना कुछ काम ही नहीं दिख रहा है। इसके लिए ये जो सॉल्यूशन देख रहे हैं हम लोग, ये सॉल्यूशन जो है सीलिंग ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्री, ये फेंसी करना पड़ेगा हम लोग। इसके लिए हम लोग जो है इन्वेस्टिगेशन का क्या है कि हम लोग थ्रू NIA हम लोग दे दिया, और हम लोग संपर्क में है अभी तिराप डिस्ट्रिक्ट का पुलिस को लेके, तो वो लोग से हम लोग बात करेंगे, और कुछ भी डेवलपमेंट है हम लोग फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन ही हमारा मांग है। एग्जैक्टली क्यों मारा, कैसे मारा, बाहर वाला तो मार के चला गया, लेकिन ये अंदरूनी बात अपना पॉलिटिक्स को लेके कोई पॉलिटिकली इन्वेस्टिग माने पॉलिटिकली लगा के मारने दिया है क्या? तो स्टेट गवर्नमेंट को भी हमारा ये अपील है कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल किलिंग तो नहीं है। इसके लिए हमारा जो होम डिपार्टमेंट है, हमारा होम मिनिस्टर और जितना हमारा होम डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश को भी हमारा ये मांग है, आप लोग एकदम थोरो इन्वेस्टिगेशन करो, फर्स्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करो, क्यों कल जाके हम लोग को आपको बोलना है, आपको सवाल करना है हम लोग को। इसके लिए ज़्यादा देरी होने से कल में आप हम लोग का इमोशंस को भी कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जब अपसू यू टर्न ले लेगा फिर आप लोग को गलत नहीं लगना है। इस बार अपसू जो है हम लोग डिटरमाइंड है कि ये किलिंग को निकाल के हम लोग को दिखाना तो पड़ेगा ही पड़ेगा।